दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आईटेल का मोबाइल जो ये कीपैड वाला है, इसको किस तरह से अनलॉक करना है, फ्लैश करना है या इसकी फाइल को रीड करना है। बिल्कुल आसान तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। आराम से आप इसको मिरेकल क्रैक या मिरेकल बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल आपका लॉक है तो इसको किस तरह से अनलॉक करना है, या सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको हम फ्लैश करेंगे, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और इसका मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं, IT 2130 IT 2130 है। और इसकी जो इसका जो CPU है वो MTK है। और जो भी कीपैड मोबाइल आईटेल के होंगे, जिनके जिनमें CPU लगा होगा MTK का, उसको आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से अनलॉक कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं और इसकी फाइल भी रीड कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताएंगे किस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबाना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा पहुंचता रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहें। तो इसको हम अनलॉक करके दिखाएंगे, फॉर्मेट करके, और फाइल भी इसकी रीड करके दिखाएंगे, और फ्लैश किस तरह से करना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएँगे। और बिल्कुल आसान तरीका है, आपको मिरेकल क्रैक या मिरेकल बॉक्स की मदद से आप कर सकते हैं। अगर बॉक्स आपके पास नहीं है तो मिरेकल क्रैक भी इस पर 100% काम करता है, और कोई भी वर्जन क्रैक होगा, चाहे जितना पुराना वर्जन होगा, इस पर काम करेगा। और किस तरह से करना है चलो मैं आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं आपको PC पे किस तरह से इसको करना है। और एक चीज़ आप लोगों ध्यान रखिए, इसमें बूट की जो है, बूट की दबाने के लिए आपको ये मोबाइल को हम बैटरी इसकी निकालेंगे, और दोबारा से लगाने के बाद हम ये अप डाउन और ये साइड वाले जो बटन है, इसको सब साथ में प्रेस करके सब ये सारी बटनों को ऐसे प्रेस कर लेंगे, और साथ में USB केबल हम इसमें लगाएंगे तो ये बूट कर जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं अपने PC पे, और यहाँ पे किस तरह से आपको क्या करना है वो आप लोग बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ओपन करेंगे मिरेकल बॉक्स या मिरेकल क्रैक, जो भी आपके पास हो। मिरेकल क्रैक भी काम करेगा और मिरेकल बॉक्स भी काम करेगा, जो भी आपके पास हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और पुराना वर्जन भी होगा करेगा तब भी काम करेगा, नया होगा तब भी काम करेगा। और मिरेकल बॉक्स और की अगर आपके पास है एक्टिवेटेड, तभी ये और अच्छा काम करेगा। फिलहाल काम सब करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मिरेकल बॉक्स ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ से किस टैब में जाना है, कहाँ से क्या करना है, सब आपको इस वीडियो में हम बताएँगे। और बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, जब ये मिरेकल बॉक्स हमारा जब ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। और क्रैक होगा तो आपका जल्दी ओपन होता है, और ये हमारा बॉक्स है इसलिए ये सर्वर से कनेक्ट होता है। जब ये सर्वर पे जब ये स्पीड नेट की जब अच्छी होती है, तब ये फटाफट हो जाता है ओपन। और जब ये ओपन हो जाएगा इस तरह से आपके सामने, जब ये आ जाएगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं फाइल इसकी कैसे रीड करेंगे। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं ये रीड वाले टैब पर है, और रीड करने के लिए हम सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और वही बूट की दबा के हम USB को लगाएंगे। और जब हम USB को लगाएंगे तब ये फाइल हमारी यहां पे रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आपको एक दो बार ट्राई करना पड़े, अगर कोई दिक्कत नहीं है आप एक दो बार तीन बार में ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत किसी प्रकार का एरर आता है तब ये दो बार या तीन बार ट्राई करने पर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, और मोबाइल जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजर में जाकर यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ड्राइवर इस पर सही से वर्क करेगा कि नहीं। अगर ड्राइवर हमारा MTK फ्लैशिंग वाला जो ड्राइवर होता है, अगर वो सही से वर्क नहीं करेगा, तब मोबाइल हमारा बॉक्स या क्रैक जो भी है हमारे पास मिरेकल बॉक्स का, उस पर ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ड्राइवर हमारा सही से इस पर काम कर रहा है कि नहीं। और जब हम मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तब ये यहाँ पे बताएगा हमारा MTK वाला पोर्ट, और MTK पोर्ट बताएगा। तो अगर इस तरह से आपके सामने आता है ये अनस्टेबल कॉम पोर्ट वाला, तो आपको एक दो बार ट्राई करना है, ये हो जाता है 100%, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। और उसके बाद ये फाइल इसकी रीड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फाइल इसकी रीड होना स्टार्ट हो गई, और इस पर MediaTek जो आप लोग देख रहे हैं USB ड्राइवर इस पर हमारा काम कर रहा है। और ये फाइल इसको रीड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और फाइल रीड जब हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से और भी जो भी चीज़ें हैं किस तरह से उसको हम
करेंगे। अब फाइल रीड होने के बाद हम कहीं पे भी इसको इस फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, जो भी हम कहीं पे डेस्कटॉप पे या कहीं भी हम एक फोल्डर बना लेंगे, जिससे कि हमें इस फाइल को ढूंढने में आसानी हो जब ज़रूरत पड़े, और उसको उस फोल्डर में हम सेम मॉडल के नाम से बनाएंगे और उसी में हम इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद वो फाइल हमारी से हो जाएगी, और किसी भी इस मॉडल किसी भी मोबाइल में हम डालेंगे तो ये फाइल हमारी पूरी तरह से काम करेगी। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे रीड इन्फो पे, तो किसी किसी मोबाइल में ये पासवर्ड जो इसमें पड़ा होता है उसको ये यहाँ से रीड कर लेता है, और किसी किसी में नहीं भी करता है। और अगर ये फाइल यहाँ से रीड नहीं करता है तो हम इसको इसके अनलॉक करने के लिए डायरेक्ट हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, फॉर्मेट करने से पहले मोबाइल को आप इसका बैकअप जरूर लें, जो फाइल हम सेव किए थे इससे पहले उसको आपको ज़रूर करना है। अगर आप इसकी फाइल का बैकअप नहीं लेंगे और किसी कारण से अगर इसमें कोई और फाइल इसमें ना अगर राइट हुई, तब मोबाइल आपका डेड हो जाएगा, फिर उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, हमने फॉर्मेट वाले टैब पे क्लिक किया है और यहाँ पे ये पोर्ट एरर वाली प्रॉब्लम आ रही है, और ये काफ़ी कई सेट में ऐसा होता है कि पोर्ट एरर वाली जो ये समस्या है। और अगर ये पोर्ट एरर वाली समस्या हम एक दो बार देखेंगे, अगर ये यहाँ पे अगर यही सेम होता है, पोर्ट एरर ही दिखाता है, तो इसमें हमें क्या करना है, हम ये जो हमारा रीसेट पे जो लिखा हुआ है मेटा मोड, यहाँ पे हम अनटिक करके एडवांस पे क्लिक कर देंगे FRP वाले पे। उसके बाद हम फिर से ट्राई करेंगे, इस पर 100% ये मोबाइल हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल जब हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल हमारा ऑन भी हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है ऑन होने में, तो हम फाइल जो इसमें फाइल रीड की है उसको भी इस पर डाल सकते हैं, या तो फिर हम इसकी फाइल को डाउनलोड करके भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बिन फाइल इसमें होती है, और उसको हम राइट करा सकते हैं डायरेक्टली, और मोबाइल डेड होने के चांस फिलहाल इसमें बहुत कम ही होते हैं। और ये इसका पूरा डिटेल यहाँ पे ये देख सकते हैं, फॉर्मेट हो गया है। और यहाँ से हम इसको अगर राइट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से हम फाइल जो सेव किए हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम कोई दूसरी फाइल भी डाउनलोड किए हों तो उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करके हम डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम यहाँ से सीधा स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वही बूट की दबा के हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में ये मोबाइल हमारा फ्लैश हो जाएगा, और उसके बाद हम डिसकनेक्ट कर लेंगे।